शाकिबुल हसन की घटिया सोच है, तुच्छी हरकत है। आप मुझे बताइए, एमसीजी में अगर मैच हो रहा हो, एमसीजी में आप अगर नीचे से टनल से निकल के आके वहां पे 120 सेकंड में पहला बॉल खेल लेते हो, नहीं खेलते हो। ये कहने की बातें हैं, सो दैट अंपायर के पास एक वो रहता है कि आप जानबूझकर टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड सेकंडली, ये टेस्ट मैच होता ना, टेस्ट मैच है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, जानबूझकर नहीं खेल रहे हो, मैच खत्म होने वाला है, विकेट इतनी रह गई है, तो आपने अपील कर ली, तो चलो टू एन एक्सटेंट। एक घटिया टुच्ची सोच। और साकिबुल हसन ने इस वर्ल्ड कप से पहले पहले तो बांग्लादेश की लंका लगवाई, मतलब टीम में जो भी हुआ झगड़ा कभी वो खुद चले जाते थे। मैंने अपने मतलब जो जितनी क्रिकेट देखी सुनी है, बहुत मतलब गेम्समैनशिप देखी है, अंडर आर्म बॉलिंग भी देखी है, आपने बाउंसर्स भी देखे हैं, आपने मार्केटिंग भी देखी है जो रन आउट हो गई है, ये गली मोहल्ले में नहीं कोई करता यार, ये तो वर्ल्ड कप खेल रही है ये टीम, ये वर्ल्ड कप खेल रहा है बांग्लादेश। ये शाकिबुल हसन दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से वही शाकिब है जो कभी स्टंप लगा देते हैं, प्लेयर आया ना हो। आप ये कहें कि प्लेयर अंदर ही नहीं पहुंच पाया, तो चलो मैं कहता हूं 2%। अरे भाई, वो बंदा अंदर आ गया, वो मैदान में आ गया, उसकी हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया, तो वो क्या करेगा वो सर ऐसे ही मौकों पर, क्योंकि हम काफी बार कहते हैं। मुझे याद है एक टेस्ट मैच था, दिनेश कार्तिक वो एक दो बार उलटबाजियां खा गए, तो हो सकता है 20 सेकंड 30 सेकंड उसमें हो गए। एक आपको टेस्ट मैच जोहान्सबर्ग का याद होगा, 2006 इंडिया और साउथ अफ्रीका, कहानी आपने बड़ी सुनी है। सेकंड इनिंग में क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने वो फील्ड से बाहर चले गए, लास्ट में साउथ अफ्रीका जब आउट हुआ वो फील्ड से बाहर थे, तो जब वो उनका नंबर चार बैटिंग आनी थी, इंडिया का दूसरा गिरा, तो अब अंपायर ने बताया जी आप ही आपके उतने मिनट ही नहीं हुए हैं कि आप बैटिंग करने आ सको। वीवीएस लक्ष्मण की कहानी है, वो शावर रूम में थे, वो शावर ले रहे थे, तो सौरव गांगुली को फटाफट पैड, कोई एक पैड डलवा रहा है, दूसरा सौरव अंदर आए। क्या ग्राम स्मिथ ने उस वक्त टाइम आउट अपील की थी? नहीं की। तो फिर जब इंटेंशनली, ये तो गलत है यार, बट मैं वही कह रहा हूं सर, ऑब्वियसली नियम होते हैं। साकिबुल हसन ने आज ना शर्मसार किया क्रिकेट को, एंड आई एम श्योर उन्होंने शर्मसार किया बांग्लादेश क्रिकेट को। इससे पहले आप उनके, अगर मतलब मैं कहता हूं इससे ज्यादा विवाद तो किसी और प्लेयर का है नहीं, कभी वो स्टंप्स को लात मार देते हैं, कभी वो अंपायर को कुछ कर देते हैं, ये क्या क्रिकेटर है यार, ये गली मोहल्ले की सोच लेके शाकिबुल हसन वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे हैं। बिल्कुल, बट मैं वही कह रहा सर, नियम ऑब्वियसली है, बट ऐसे में जो हम कहते हैं कि जो अंपायर है वहां पर, अंपायर्स को ऐसा तो होना चाहिए ना कि वो भी अपने कॉमन सेंस का, अब मशीनें की सब कुछ अगर होना, अंपायर नहीं देख रहा कि प्लेयर तो आ गया यार, और क्या हुआ है वहां पर, नियम जरूर है, बट यहां पर दीपक भाई बात यही होती है कि आप एक कॉमन सेंस का भी तो इस्तेमाल करते हो कि किस सर्कमस्टेंसेस में वो सब चीज हुई है। बांग्लादेश की पूरी टीम शाकिब अल हसन अपील कर रहे थे, बट अंपायर तो कह सकते हो आकर यार गार्ड ले रहा था, सब कुछ था उसका, अब ऐसे तो हेलमेट प्रोटोकॉल ही कहता है ना कि भाई अगर आपके हेलमेट में कोई दिक्कत है तो आप तब तक खेलोगे नहीं अगली गेम जब तक हेलमेट आपका रिप्लेस ना हो जाए, पूरी तरीके से सही ना हो जाए, तो उसमें कैसे देखते हैं आप अंपायर का रोल। एक बात कहता हूं कि भाई आज शाकिब अल हसन ने जो चीज की, जैसा सर ने अभी कहा कि इनसे ज्यादा विवादित क्रिकेटर नहीं होगा भाई, इनकी कभी अंपायर से बहस, कभी ये विकेट उठाकर फेंक देते हैं, और कोई भी इनके आप कांड देख लो किसी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं आते, या आएंगे अपने घर में ढाका प्रीमियर लीग में या फिर श्रीलंका के खिलाफ या किसी और टीम के खिलाफ, क्योंकि बड़े मंच पर बड़े लोगों के सामने ये बोल पाते नहीं है। दूसरी चीज है ऑस्ट्रेलिया होता यहां पर, इंडिया होता या फिर कोई और दूसरी, इंग्लैंड होता, करते ही है क्यों। दूसरी चीज, आप अगर रूल्स रेगुलेशन, यार यहां पर कोई उस तरीके से थोड़ी है कि आप किताब लेकर क्रिकेट खेलने जा रहे हो कि मेरे जेब में एक बुक रखी हुई है, मैं हर 10 मिनट बाद उसमें एक रूल देखूंगा कि कहीं मैं रूल का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूं किसी का। यार आप किसी गेंदबाज को देखते हो, कई बार देखा है ना कि गेंदबाज यार प्रॉब्लम में रहता है तो थोड़ा कभी स्पाइक्स वगैरह बदलवा दिए, ये कर दिया, तो वहां पर बल्लेबाज भी तो सवाल कर सकता है कि मेरे लिए भी तो टाइम में देरी हो रही है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अब जो साकिब अल हसन ने किया है मैथ्यूज के साथ, वो क्रिकेट को पूरी तरह शर्मसार कर देने वाला वाकया है। जब एंजेलो मैथ्यूज बैटिंग करने आए तो जो पहली बॉल फेस करने का टाइम पीरियड होता है 3 मिनट, और चूंकि इस वर्ल्ड कप में उसको 2 मिनट कर दिया गया है, तो वो असमय से गए थे, लेकिन जब वो बैटिंग करने के लिए गार्ड लेने लगे तो उनके हेलमेट की स्ट्रिप टूट गई, तो हेलमेट उन्होंने ड्रेसिंग रूम से मंगाया और उसको पहनने में और खेलने में समय लग गया, जिसके बाद साकिब अल हसन उनकी टीम ने आउट की अपील कर दी और अंपायर को आउट देना पड़ा। दोस्तों ये पूरी तरह बच्चों वाली चीजें हैं, साकिब अल हसन ऐसे कांड करते रहते हैं, कोई भी क्रिकेटर ऐसा कभी नहीं करेगा। क्या किसी क्रिकेटर में को कभी 2 या 3 मिनट नहीं लग जाते होंगे, क्या कभी किसी और टीम ने ऐसी अपील की? लेकिन नहीं, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में जहाँ पे श्रीलंका को एंजेलो मैथ्यूज की पारी की जरूरत थी, वहाँ पे एक ऐसी घटिया हरकत करके न केवल बांग्लादेश का बल्कि अपना खुद का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डाउन कर लिया है साकिब अल हसन ने। उनके कारनामे पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने देखा होगा कि वो बांग्लादेश में ही कोई मैच हो रहा था जिसमें उन्होंने अंपायर को आउट न देने पे स्टंप पे लात मार दी थी और फिर स्टंप लेके अंपायर को मारने के लिए भी आगे बढ़े थे। तो ये ऐसी ही बात की उनसे उम्मीद की जा सकती है। हालांकि वो ऑलराउंडर की लिस्ट में विश्व क्रिकेट में बड़ा नाम है, लेकिन कोई रोल मॉडल उन्हें नहीं मानेगा। तो इस वीडियो में आप पूरा देखिए कि किस तरह से विक्रांत गुप्ता ने उनको बहस किया है, और न केवल विक्रांत गुप्ता ने बाकी पूरी विश्व क्रिकेट में उनकी इस बात की आलोचना हो रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। थैंक यू।
मैं कहता हूं लंका डिजर्व करता है, लंका ने 279 रन बोर्ड पे लगाए, लंका डिजर्व्स टू विन बिकॉज अल्टीमेटली क्रिकेट हैज टू विन। अच्छा कल का मैच याद कीजिए, कल जब बॉल कर रहे थे टुवर्ड्स द एंड शमजी, तो विराट ने एक बॉल खेला शॉट लेके यहां पे गया, तो इधर से कीपर भी निकले, उधर से विराट ने बॉल उठा के उसी मोशन में बॉल उठा के उसको बॉलर को दे दिया। अगर बॉलर अपील करता तो विराट भी आउट थे ना, बिल्कुल हैंडल द बॉल आउट थे ना, या हैंडल द बॉल या फिर ऑब्स्ट्रक्टिंग था। लेकिन यार आप इस तरह की हरकतें नहीं करते हो, इस तरह की हरकतें आप टाइम आउट, मतलब वो प्लेयर जो आ चुका है मैदान में उसकी हेलमेट का स्ट्रैप टूटा है, वो शाकिब को जाके कह रहा है यार क्या बात कर रहे हो सर, मेरा ये वो कह रहे मैं नहीं। सर इनकी श्रीलंका के साथ पर्सनल खुन्नस है पिछले एक दो साल से, आप जानते हो जो इनके नागिन डांस और सपेरे आते हैं, ये इंतजार करते हैं कि कुछ कमी हो तो हम वहां पर आए। मैं पता नहीं यार बांग्लादेश में मैं जानता हूं कि मतलब क्रिकेट का बहुत शौक है लोगों को, क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं, बट यार मैंने ना वो भी देखा है उजलूल हरकतें जब वो एमएस धोनी का वो उन्होंने वो बनाया था टस्किन के हाथ वाला, इवन वो कटर वो मुस्तफा को, ये चीजें हुई हैं। आपकी टीम तरक्की नहीं करेगी जब तक आप क्रिकेट को ना एक खेल के तौर पर, क्या उस लाइनअप में, और ये प्लेयर रोल मॉडल नहीं है, आई एम सॉरी, मैं वही कह रहा हूं, मैं साकिब उल हसन का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, बट साकिब उल हसन इज नॉट अ गुड रोल मॉडल दिनेश भाई, ही इज नॉट अ गुड रोल मॉडल। ऐसा हमने चलो काफी इंस्टेंसेस अलग-अलग रहे हैं, अब तो चलो नॉन रन आउट एट द नॉन स्ट्राइक। आपकी टीम तरक्की नहीं करेगी जब तक आप क्रिकेट को ना एक खेल के तौर पर, और क्या उस लाइनअप में, और ये प्लेयर रोल मॉडल नहीं है, आई एम सॉरी, मैं वही कह रहा हूं, मैं साकिब उल हसन का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, बट साकिब उल हसन इज नॉट अ गुड रोल मॉडल दिनेश भाई, ही इज नॉट अ गुड रोल मॉडल। ऐसा हमने चलो काफी इंस्टेंसेस अलग अलग रहे हैं, अब तो चलो नॉन रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर एंड एक डिसमिसल ही प्रॉपर हो गया, बट आपके पूरी की पूरी लाइनअप में ठीक है आप बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, बट कोई भी वहां पर इस काबिल एक इंसान ने जो बोले यार कि शाकिब क्या कर रहे हो यार छोड़ो वो, तो सिंपल सा याद जी, अभी चलो कुछ पहले ही चलते इंडिया को भी याद दिलाता हूँ, नेपाल को भी याद दिलाता हूँ। नेपाल का आपको अच्छे से याद होगा एक रील भी वायरल होती है, हाँ, रनआउट वाला, रनआउट का होता है, टकरा था यार नेपाल को, नेपाल से सीखो यार, नेपाल से सीखो। रोहित शर्मा पे आता हूँ चलो मैं, थोड़ा सा मोहम्मद शनाका का 100 के करीब हो गया था, उन्होंने शमी ने कर दिया था, बट उन्होंने बोला नहीं नहीं गलत यार। इवन मैं कहूंगा उस दिन रिजवान ने चलो थ्रो ऐसे मारी थी, उसका तो हंसी मजाक ही किया उन्होंने, नहीं रिजवान ने तो बहुत अच्छा किया, वो हंसी मजाक में बात खत्म कर दी जो भी है। मैं कहता हूँ उस वक्त रिजवान बाबर आजम इनकी तारीफ होनी चाहिए, वो चाहते हैं वो रन आउट, अपील कर रहे हैं एमजी, ऐसा नहीं है वैसा, दैट वाज अमेजिंग स्पोर्ट्समैनशिप। हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड केन विलियमसन का 50 होने वाला है यार, मतलब यार देखो वो अलग बात है, छक्का मार देते हैं, क्रिकेट में रूल्स चल रहा होता है, मैं पता है सबको पता है क्रिकेट में रूल्स चल रहा होता है, बट यार एक स्पोर्ट्समैनशिप नाम की चीज देखो बहुत टुच्ची हरकत है, बिल्कुल जो हम कह रहे हैं आपको, देखो फिर से समझाते हैं, नियम के तहत अगर वो रहता कि भाई मैथ्यूज पहुंचते ही नहीं क्रीज पर, या मैथ्यूज जी आए ही नहीं, कुछ ऐसा वो आकर आपको दिखा, उन्होंने दिखाया भी, वो गार्ड ले रहे थे, जैसे वो गार्ड लेते एकदम से टक उनका स्ट्रैप टूट जाता है, पूरी टीम इतनी अजीब है क्या यार, मतलब कोई मैं वही कह रहा हूँ, लिटन रिटन आपकी यार रिस्पेक्ट हो ही नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में, आपको यार रिस्पेक्ट आनी नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई जो हम कह रहे हैं कि आप एक मतलब चाहे आप बड़े खिलाड़ी, आपकी तो परफॉर्मेंस भी इस बार नहीं रही, बट कहीं पर आप एग्जांपल सेट कर सकते थे, मैथ्यूज ने अंपायर से लेकर उनके खिलाड़ियों से लेकर रिक्वेस्ट करके सब कुछ देख लिया।